तो गाइज मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की गोली मारने की धमकी दी है और कल तो आप सभी के लिए स्टूडियो के अंदर तीन बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन लेके आओ, जिसमें से दो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा बैड इन्फॉर्मेशन है, सैड इन्फॉर्मेशन है, दुखद खबर निकल कर आ रही है। तो क्या फटाफट मैं आप सभी को स्टूडियो के अंदर दे देता हूँ। लिंक से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले दो बैड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सैड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, दुखद खबर देता हूँ। आपसे बता दूं, कई सारे मूवी के अंदर काम कर चुके ओम शांति ओम, यानी कि शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ, कई सारे मूवी के अंदर काम कर चुके, कई सारे सीरियल के अंदर काम कर चुके, जो कि अनुपमा सीरियल से फेमस हुए थे। सिर्फ इनकी उम्र 51 साल, लेकिन इनको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, इनकी जगह पे मौत हो जाती है, डेट हो जाती है। सबसे बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है इस वक्त की, जो कि पहली है। और आपसे बता दूं, दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, कई सारे सीरियल में काम कर चुकी, जिनका नाम है वैभवी भी, शायद मैं नाम लेने में चुक रहा हूँ, आपसे बता दूँ इनकी भी जगह पे डेट हो चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। हालांकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन अचानक इनका एक्सीडेंट और इनकी जगह पे डेट हो चुकी है। आपसे बता दूँ, जितने भी टीवी एक्टर है सारे के सारे गमगीन हो चुके हैं इन दोनों की डेट की वजह, मतलब अचानक शॉक की न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो भी एक दिन के अंदर। तो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनके माता पिता के लिए, इनके फैमिली के लिए, इनके दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए, इनको सब्र आ जाए, क्योंकि आप सभी को पता हूँ अचानक कोई चले जाता है तो कितना दर्द होता है। तो ऐसे में थी दो बड़ी दुखद इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे में आप सभी को तीसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन दूँ। यूट्यूबर, आपने शायद इनके चैनल भी देखे होंगे, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, पारस और एसनिया, शायद आप इनकी कॉन्ट्रोवर्सी से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद आप सभी को ये बताना ज़रूरी है कि दोनों भी यूट्यूबर है। पारस के जो यूट्यूब पर चैनल पे 2 मिलियन से ज़्यादा है, और एसनिया के 1 मिलियन से ज़्यादा है। और ऐसे में इनके इंस्टाग्राम भी अच्छे खासे फॉलोवर है, एसनिया के 1 मिलियन के करीब करीब है, और पारस की भी अच्छे फॉलोवर है। लेकिन ऐसे में आप सभी को शायद इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताऊँगा। दोनों भी एक दूसरे के मतलब हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन ऐसे में अचानक इनके बीच कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है और तलाक तक बात पहुँच जाती है। और ऐसे में जो एसनिया है, शायद मैं नाम लेने में चुक रहा हूँ, आपसे बता दूँ इनको धमकी भी मिलती है जान से मारने की, और शायद इन्होंने स्टोरी शेयर भी की। मैं आपको सबसे पहले उनकी कुछ स्टोरी दिखा देता हूँ, आप सबसे पहले कुछ स्टोरी देख लीजिए। तो गाइस मुझे अभी अभी जो है वो जान से मारने की गोली मारने की धमकी दी है, और कल को मुझे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति और उसका परिवार होगा। और क्यों धमकी दी है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को मांग लिया सिर्फ इसीलिए, और मैं YouTube पे कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल से लेके हर चीज़ हैक कर ली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये Instagram है, और मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी। तो मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखा रही हूँ कि उन्होंने कैसे धमकी दिया, हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। तो जैसे कि आपने कुछ स्टोरी देखी लेंगे, आप बता दूं ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। उन्होंने बोला कि अगर आपके कम से कम फॉलोअर भी इस बात को उठाई, और साथ साथ बता दूं आप अंजलि अरोरा को जानते होंगे, इन्होंने भी इनका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी, आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। और जिस तरह से मतलब कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ते जा रही है, आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती कॉन्ट्रोवर्सी के रियल में सारी चीज़ें चल रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के हर वीडियो जितना हो सके तो शेयर करना फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुँचे।